दोस्तों आज रिलीज़ हुआ है भूल भुलैया 2 का ऑफिशियल टीज़र, जहां पे वही बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ में यहां पे मोंजोलिका को दिखाया गया, और उसके साथ में फिर वही बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ में जो अक्षय कुमार का कैरेक्टर था उस कैरेक्टर में दिखाया गया है कार्तिक आर्यन को। हालांकि अब ड्रेस का कलर भगवा से काला हो चुका है। इस पर अक्षय कुमार ने अपना रिएक्शन दिया है। भूल भुलैया 2 में अक्षय कुमार ना होने पर दोस्तों फैंस काफ़ी नाराज हैं, क्योंकि इस फिल्म में अक्षय कुमार को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन अब कार्तिक आर्यन इस फिल्म में आ गए हैं, तो अक्षय कुमार ने कार्तिक आर्यन का सपोर्ट किया है और कहा कि लोग अभी भी कंपेयर करने में लगे हुए हैं, इस फिल्म को तुम कार्तिक की फिल्म की तरह देखो, मैंने मेरी भूल भुलैया कर ली, अब कार्तिक अपनी भूल भुलैया कर रहा है। ये रिप्लेसमेंट की बात नहीं है, ये अलग कैरेक्टर की बात है। कार्तिक अपने आप में काफ़ी अच्छा एक्टर है और फिल्म का टीज़र म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख भी रहा है। और अब ज़माना बदल चुका है, अब शायद आपको भूतों के VFX काफ़ी अच्छे दिखाई दे। अक्षय कुमार ने साफ कहा कि इस बार शायद आपको भूल भुलैया 2 थोड़ी और डराने वाली दिखाई दे सकती है। हालांकि देखना होगा कि कार्तिक क्या अक्षय कुमार जैसे फनी कैरेक्टर को प्ले कर सकते हैं या नहीं। कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दें। अक्षय का रिएक्शन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें देखो देखो यूट्यूब चैनल, ताकि और भी खबर आप तक पहुँचे सबसे पहले।